दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट टाइम लेना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका इंटरनेट पे स्पीड चलेगा नहीं, बिल्कुल दौड़ेगा, और ये मैं खुद आपको गारंटी के साथ बताता हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके फ़ोन का इंटरनेट स्पीड कम क्यों होता है। तो जैसे आप अपने नया फ़ोन लेते हैं, उसके बाद जो भी सिम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो और उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आपके फ़ोन में रह जाते हैं, और धीरे धीरे आपका इंटरनेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप सिम यूज़ करते हैं, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, उसमें ऑफिशियल कुछ मतलब डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग होता है, वो ऑफिशियल लॉन्च कर देते हैं जो आपको पता नहीं होता, और आपके फ़ोन में वो 1 महीने 1 हफ्ता बाद आपको चेंज करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आज के इस ऑफिशियल एक कमाल की सेटिंग, जहाँ से आप करेंगे तो आपका फ़ोन का इंटरनेट एकदम दौड़ने लगेगा। अगर इस वीडियो का पूरा नहीं देखते हो ना, तो इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा देखो, जो मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप करो, आपकी इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। और मैं मेरे पास एक गारंटी के साथ देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका इंटरनेट रॉकेट की तरह चलने लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी सिम है, सारे सिम के लिए एक ही सेटिंग है। तो सबसे पहले आपको जाना अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने फ़ोन के सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना नीचे, और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ देखने को मिली, वो है मोबाइल नेटवर्क करके। सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आपके पास 2 सिम है तो 2 सिम आपको दिखेगा, 1 सिम है तो 1 सिम दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जाना यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम, जो आपको APN कहते हैं, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको देखने को मिल जाए प्लस, या तो मिल जाएगा न्यू APN, कुछ भी आपको मिलेगा। नहीं के लिए यहाँ पर मेरे यहाँ पर ऐड दिखा, तो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको नेम आपको लिखना क्या है। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ, सेम टू सेम आपको लिखना है। तो नेम पे आपको लिखना है www.jio.com। अगर आपके पास एयरटेल है तो आपको लिखना है airtel.com, वोडाफोन है तो vodafone.com। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके करना है, और यहाँ पर आपको APN एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो APN में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको लिखना है APN में जियो नेट। तो जैसे अगर आपके पास जियो है तो जियो नेट लिखना, अगर आपके पास एयरटेल है तो एयरटेल नेट लिखना, वोडाफोन है तो वोडाफोन नेट लिखना। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है जियो नेट। तो जियो का जो N होगा वो होगा कैपिटल लेटर में। तो सिंपली इसके ऊपर ओके करके यहाँ पर आपको सेव कर देना है। उसके बाद आपको एक देखने को मिल जाए प्रॉक्सी, इसको छोड़ देना। उसके बाद आपको पोर्ट को भी छोड़ देना है। पोर्ट को छोड़ देने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए यूज़र नेम। तो सिंपली इसके ऊपर आपको टैप करना है, और यूज़र नेम में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com। सिंपली आपको जैसे मैं लिखता हूँ सिंपली आपको इसी तरह का ही लिखना है। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है www.google.com, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नाम आपको सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है सर्वर, सर्वर में सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com, क्योंकि हम सर्वर यानी गूगल से ही लेंगे, तो यहाँ पर आपको google.com भी लिखना है। और यहाँ पर आपको देखना है आपको एक ऑप्शन देखने में MMSC, इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको देखने में MMSC प्रॉक्सी, इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद प्रॉट को भी छोड़ देना है। उसके बाद MMC सारे के सारे आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये सारे आपको जो एरिया का नेटवर्क होता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाए आई, यहाँ पर आप देखने में APN प्रोटोकॉल। तो सिंपली इसके ऊपर आपको IV, यहाँ पर लिखेगा IPv4, यहाँ पर आपको रहेगा डिफॉल्ट। तो आपको नीचे वाला का सेटिंग करना है 6 और 4 वाले को, इसके ऊपर आपको टैप करके यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद आपको नेम मिलेगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो सिंपली इसके ऊपर आपको भी नीचे वाला को सेट कर देना है। तो जैसे आप सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा बैरियर, या तो बीआरआर जो भी आप कहेंगे, इसके ऊपर आपको टैप करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे आपको बैंड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर पर आपको टिक रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको LTE कर देना है। तो जैसे यहाँ पर आपको LTE करेंगे तो आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको बैक नहीं आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने वो है मोर, इसके ऊपर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू APN आपको क्रिएट होगा जियो नेट करके। सिंपली इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। तो जैसे आप टिक लगा देंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बैक आके और आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे और आप अपने फ़ोन के जो इंटरनेट को चलाएंगे तो आपको हद तक बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिलेगा, क्योंकि ये आपका नया APN क्रिएट हो गया है। तो अगर आप इसको एक बार करके जरूर देखिए आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह का मैं ट्रिक्स और ट्रिप्स का वीडियो देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।